ओके सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप की न्यू अवतार मूवी फोटो एडिटिंग। सो गाइस, इस फोटो एडिटिंग में जो मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करूँगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी तरह मिल जाएगा, तो आप लोग वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। तो बाकी चलिए गाइस, आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा आप सभी को। तो उसके बाद आप लोगों को करना है कि आप लोगों को ऐड फोटो में जाना है एंड यहाँ से ऐड करना है आप सभी को अपने मॉडल को। एंड गाइस, जैसे ही आप अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड करोगे तो गाइस आपको जो हाइट वगैरह है जो कुछ इस टाइप से इतनी रखनी है, ठीक है। एंड जो हाइट जो है ज़्यादा बड़ी नहीं मत रखना गाइस, ठीक है, नहीं तो फोटो जो आपकी एकदम बेकार लगेगी। तो आप लोग जो है साइज़ अपने मतलब कि फोटो के हिसाब से रखना, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस आपको इरेज़र टूल में जाना है एंड आपको यहाँ पे कुछ पार्ट इरेज़ करना है। जैसे कि गाइस यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे कि ये हैंड जो हमारा पीछे की साइड में जाएगा एंड गाइस ये जो वाला जो पैर है हमारा ये भी पीछे की साइड में जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इरेज कर लेना है। एंड गाइस ये सब काम जो आप एकदम आराम से करना, एकदम टाइम देके, ठीक है, ज़्यादा मतलब जल्दबाजी में एडिटिंग मत करना, क्योंकि यहाँ पे कुछ पार्ट जो है मैंने फास्ट भी कर रखे हैं। ओके गाइस, यहाँ पे हमारा इतना काम हो चुका है, तो अभी जो है ये फिंगर्स में भी कुछ रह गया इरेज करते वक्त, ठीक है, तो मैं इसको भी कर लेता हूँ यहाँ पे। अब गाइस जो देखिए यहाँ पे हमने तो कर लिया, अब जो गाइस इसमें जो कैरेक्टर है उसका जो मतलब फेस है और बॉडी जो है वो है ब्लू कलर की, ठीक है। तो हमें ये सब करने के लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक मॉडल का डुप्लीकेट बना लेंगे एंड उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम उसको ले जाएंगे यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ से हमें इस इफेक्ट वाले ऑप्शन में ले जाना है। उसके बाद आप लोगों को फिर क्या करना है यहाँ पे, मतलब कि आपको कलराइज वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आपको उसमें चले जाना है एंड उसमें जाने के बाद आपको जो है इसके यहाँ पे ब्लू कलर की तरफ ले जाना है, ठीक है। आपको 290 के ऊपर रख देना, वहाँ पे वो ब्लू कलर में पहुँच जाएगा। फिर इसके बाद आपको रेस्ट में जाना है एंड आपको ब्राइटनेस जो इसकी इंक्रीज़ कर देनी है। एंड इतना हो जाने के बाद गाइस आप लोगों को फिर क्या करना है, आप लोग जब मतलब इसको यहाँ पे इतना थोड़ा सा ब्राइट कर लोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली डन करना है एंड उसके बाद चले जाना आपको इरेज़र टूल में। अब गाइस यहाँ पे आप लोगों को करना है क्या, गाइस यहाँ पे जो आपको इन्वर्ट कर देना है इसको एंड जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आता है उन सबको इरेज कर लेना है। एंड आपको गाइस यहाँ पे पेंट कहाँ कहाँ पे करना है वो बता देता हूँ। पहले जैसे देख सकते हो गाइस, आपको फेस के ऊपर पेंट करना है एंड आपको हैंड के ऊपर एंड पैरों के ऊपर, ठीक है, मतलब जहाँ जहाँ का पार्ट जो है ब्लू हो सकता है वहाँ वहाँ का एरिया के ऊपर आपको पेंट करना है। अब गाइस इतना हो जाने के बाद आप लोगों को करना है क्या गाइस, यहाँ पे आप सभी को अब देखिए गाइस यहाँ पे जो है पैरों को तो है थोड़ा सा हमें यहाँ पे रेज करना पड़ेगा हल्का सा, मतलब कि कैसे मैं बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे अपने मॉडल को जैसे सेलेक्ट करोगे, आपको इरेज़र टूल में जाना है, इरेज़र का जो आपको यहाँ पे साइज़ और हार्डनेस और जो ओपेसिटी कम रखना है, ठीक है, एंड यहाँ पे इस तरीके से पेंट करना है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको करके, ये देखो इससे क्या होगा कि मतलब कि जो है मतलब जो नीचे जो लाइट है ना उसके नीचे आपका पैर दिखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इसको ऊपर कर लेना है एंड उसके बाद ऐड फोटो में जाना है एंड यहाँ से ऐड करना है आप सभी को ये पीछे की तरफ जो है पूँछ की पूँछ कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो है यहाँ पे हम कुछ स्टेप्स लगा देंगे पीछे की साइड में, ठीक है, एंड जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा उनको हम यहाँ पे रेस कर लेंगे हार्डनेस से फुल करके।